मैं शिवाजी। क्या कहा? शिवाजी। गांव कौन सा है? कितना बड़ा? कितना बड़ा छोड़, इत्थे आ, मैं कौन हूँ जानता है? ए, सुन, भाई के लिए जाके सिगरेट लेकर आ। ठीक है भाई। ए, इधर आओ, बोला ना इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? जबान घर पे रख के आई हो क्या? ऐसे क्या देख रही है? भाई लड़की गर्म मिजाज की लगती है। ए, चुप रह, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू बुत बनकर मुझे घूरे जा रही है। एक्चुअली ये बोल नहीं सकती है। बोल नहीं सकती? क्या यार, सुबह सुबह ही दिमाग का दही होना शुरू हो गया। जाने बोल उसको। चला चला, जाने बोल। कौन है बे तू? इतना चिपक कर क्यों खड़ा हो गया? दूर हट। बसिया रे, एक काम कर, वो पिंक टॉप पहन के जो लड़की जा रही है ना, अरे छोड़, बहुत पकाती है यार वो। उसके बगल में जो वो बबली नाम की लड़की जा रही है ना, जाओ उसे बुला लाओ। क्या देख रहा है तू? भी गूंगा है क्या? क्या यार, आज की शुरुआत ही गूंगों से हो रही है, हद हो गई। ये रैगिंग है? हाँ भाई, ये रैगिंग ही है। सीनियर बोले तो चुपचाप सुन, सवाल मत कर। सीनियर है तो? अरे गलत बात मत कर, सब पर भारी पड़ जाएगा। सीनियर मतलब कॉलेज हम चलाते हैं, हम जो भी कुछ बोले उसे चुपचाप करने का। अगर तुम लोग 20 हो तो हम 21 हैं। प्रूफ करके दिखाओ। क्या प्रूफ करना है? चल बोल। तू ही बता। कॉलेज की छत पे जो तिरंगा लहरा रहा है, उसको जो जाकर पहले छुएगा वही कॉलेज का किंग हो जाए। क्या? अरे कैसे हो जाए, इसे रास्ता नहीं पता। तो हम क्या करें? पहले ही दिन कॉलेज में आके आंख दिखाएगा तो हम छोड़ देंगे? मैं तो यार, मैं जीता तो इस कॉलेज में आज से रैगिंग बंद। डील? नो डील। जुबान से सॉरी नहीं कह रही है, दिल से सॉरी कह रही है। हाय, मेरा नाम वानी है। हाय, आई एम हंसनी एंड शी इज निकी। हाय। अच्छा तुम हॉस्टल में नहीं हो? ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, देखते ही समझ गई। वैसे कहाँ से हो? मालवानी। तब भी कचरा लगा कर आई हो। मेरे पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं, अगर ये कॉलेज मुझे पसंद नहीं आया तो वो यहाँ से मुझे वापस ले जाएंगे। मैं समझी नहीं। ये कह रही है तुम डरो मत, गांव मत जाओ। चलो बैठते हैं। कम कम, यहाँ पर रैगिंग तो नहीं होती ना? होती थी, पर अब वो सब बंद हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई होती है। नहीं, वो बात नहीं है, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। जिस अप्सरा को मैंने रोड पे देखा था, वो मेरे ही कॉलेज में मेरी क्लास में थी। पता नहीं कितने लोग उसके पीछे होंगे, लेकिन वो मेरी ही किस्मत में है। ये क्यों यार, पहले ही दिन तुम्हारा फ्रेंड कॉलेज का हीरो बन गया,
उससे इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? अरे वो भी मेरे जैसे स्टूडेंट है यार। एके जी, ये हंसनी है, हमारे गांव की लड़की है। हे, तुम यहाँ मेरी वजह से हो समझे? हाँ, तेरी वजह से हूँ। मीट माय फ्रेंड्स, ये लड़कियां हैं ना। हेलो निक्की। हाय। किसी गलत जगह तो नहीं आ गई? राघवेंद्र, राघव। अरे वो राघव तू ही है ना? राघव, ये आवाज मैं पहले भी सुन चुका हूँ। मैं माँ। कौन, किसकी माँ? देख कैसा सोया पड़ा है केजी, मैं उसकी माँ हूँ। अरे केजी की माँ ये यार। बाजू हट। ए, अरे रे रे, सूरज सर पर आ गया है और ये अभी तक सोया पड़ा है। ए सुन केजी, केजी माँ। हाँ तेरी माँ आई है बेटा। तू कब आई, माँ कोई खबर भी नहीं दी। चार दिन से मेरा दिल बेचैन हो रहा था, तू मेरे सपने में आ रहा था, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। ए दोपहर हो गई है, अब उठ जा, कोई मिलने आया है तुझसे? यहाँ तू कैसा है बेटा? इसे फोन करती हूँ तो ये फोन नहीं उठाता है। क्या इसे क्या हुआ है? ये सर क्यों खुजा रहा है कहीं? अरे आवाज कैसे आ रही है, ये क्या है? बॉटल? अरे रे रे रे, कौन है, कौन पीता है यहाँ पर? सच बताओ, यहाँ ये कौन पीता है? ये पीता है? ये हमारा छोटू है। ए चल उठ। ए अरे बाप रे, तब तो इसी ने आकर दरवाजा खोला था, मुझे देखकर इसने मुझे भिखारिन बोला था। ए मेरा शरीफ बच्चा यहाँ कुछ बनने के लिए आया है और तू उसे शराब पीना सिखा रहा है? हाँ माँ जी, हम लोग नाना बोलते फिर भी ये बड़ा बड़ा खंबा खरीद के लाता है और खुद ही गटक जाता है। ए पापी, ए तू शैतान है और मेरा बेटा शरीफ इंसान है। उसके पापा कभी कभार ताजा ताड़ी पीते हैं तो ये कहता है कि पापा इसे मत पियो, इसे पीना गलत होता है। मेरे ऐसे बेटे को तूने बिगाड़ दिया, ये गलत है। मैंने सोचा था कि यहाँ दो दिन रुक के चली जाऊंगी, लेकिन अब मैं यहाँ 10 दिन से पहले हिलने वाली नहीं। 10 दिन? कोई बात नहीं, 1 महीना रुक कर जाऊंगी। यहाँ रहकर मैं इसे पूरी तरह सुधार कर ही यहाँ से जाऊंगी। मैं भैया नहीं हूँ माँ जी, आप इन्हें भैया कह सकते हो, मैं तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। तू मेरे बेटे के जैसा है ना, तुझे भी सबक सिखा के जाऊंगी। चलो चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। ठीक है ठीक है, चलो चलो जल्दी करो। नाश्ते में क्या है? पूछ मत यार, जो मिलेगा खा लेना। मेरे बच्चे को और उसके पापा को इडली पोहा बहुत पसंद है, वही बनाया है। ये लो हाथ बढ़ाओ। होटल का खाना खा खा कर जुबान का टेस्ट बिगड़ गया होगा। ए केजी, गांव से आते समय मैंने तुझे एक खास बात समझाई थी, वो भूल गया है क्या? जो मुझे बताई है ना, वो अच्छी है। अरे वाह, तूने सही लड़की पसंद की है। चुप रहो माँ, तुम दिल में कुछ और मुँह पे कुछ और। मुझे और चाहिए माँ जी। तो हाथ मत लगा, मुँह खोल। किसने किया कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। आसपास सर्च किया? पूछताछ किया सर, सब कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। सबसे पहले बॉडी किसने देखी? ये इस लड़के ने सर। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो रोज इसी तरह चाय लेकर आता हूँ। मकान मालिक कौन है? फोन किया है सर, वो लोग आते ही होंगे। ये लोग सर 6 महीने से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं पता। वो आएगा तो मेरे ऑफिस भेज देना, मुझे लगता है ये लड़का कोई लोफर है, तुम प्रेस बुला लेना। ए तू इतना सिगरेट क्यों पी रहा है? पहले तो पैक बना यार। सुन यार, तू जो ये कर रहा है ना उसके लिए मेरा दिल नहीं मान रहा है। मुझे मेरा मूड ठीक करने दे। तू पैक बना, ऐसे टाइम में माँ को नहीं आना चाहिए था यार। प्रपोज करने का मैटर है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है इसीलिए पी रहा हूँ। अभी चुपचाप जाके सो जाएंगे, सुबह देखते हैं क्या।